यस टीवी और मैं हूँ आपकी दोस्त रंजीत कौर, जो एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है आपके अपने यस टीवी के प्रोग्राम नई उमंग के साथ। भाई कबीर दास जी की आपको कुछ पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पंक्तियों में कुछ शब्द इस तरह से है, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अभी इस पंक्तियों में उनके कहने का तात्पर्य क्या है वो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। इनका कहने का मतलब है कि भाई खजूर का पेड़ जो है वो कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, लेकिन उस खजूर के पेड़ से ना तो कोई आसानी से फल तोड़ सकता है और ना ही उस खजूर के पेड़ से किसी को छाया मिल सकती है, है ना। अभी इमेजिन कीजिए कि खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है और उस खजूर के पेड़ के नीचे ना तो आप कोई छाया ले सकते हैं और ना ही उस खजूर के पेड़ से आप आसानी से फल तोड़ सकते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में भी अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उनके सामने इतना बड़ा बनने का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए बुरा भी मत सोचिए। हाँ, अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है तो वो उम्मीदें इसलिए रखता है क्योंकि उनको आपसे बहुत ज्यादा होप होती है। तो ऐसे लोगों को जिनको आपके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है ना, उनका साथ हमेशा देना चाहिए, ना कि उनके सामने इतनी डींगे हाँकनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देनी चाहिए, लेकिन जब बारी आती है आपको परखने की तो आप हाथ जोड़ देते हैं। तो इतने बड़े बनने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, है ना। बात बिल्कुल सिंपल सी है और आपको समझ आ भी गई है। तो यही थी नई उमंग प्रोग्राम की आज की कुछ खास बातें। उम्मीद है कि ये बातें आप फॉलो भी करेंगे और हमारे चैनल को फॉलो भी करेंगे। फटाफट से यस टीवी को फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस के साथ जुड़ सके। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से चलती हूँ, कल फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही बहुत सारी ढेर सारी जानकारियों के साथ, ऐसे ही मोटिवेटेड बातों के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में ढेर सारी बातों के साथ। देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।